हेलो फ्रेंड्स, दिस राजेश गौतम एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मोटो साउंड। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने विलेज आया हुआ हूँ और इसी कारण से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। आप लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि आपके वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो आप पूरा एनवायरनमेंट आजू बाजू देख रहे होंगे कि मैं अपने खेत में बैठा हुआ हूँ। इनफैक्ट आपको बीच बीच में पैरट्स की भी आवाज़ आ रही होगी, यहाँ काफ़ी सारे पैरट्स हैं, तो पैरट्स भी इधर उधर घूम रहे हैं, वो लोग आवाज़ कर रहे हैं, तो उनकी भी आवाज़ आपको आ रही होगी। तो चलिए बात करेंगे हमारी RX 100 के बारे में, एक नए टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से वीडियो शूट हो नहीं पाया था और वीडियो आई नहीं थी। तो आप लोगों के मैसेजेस पे मुझे भी कंटिन्यूसली आ रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही है, क्या हो गया। तो मैंने कहा था कि मैं अपने विलेज आया हूँ, मैं अपने होम टाउन आया हुआ हूँ, यही एक कारण था कि 4-5 दिन तक जो वीडियोस नहीं आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ये है कि क्रैंक यामा RX 100 या 135 के क्रैंक में कौन से बैरिंग यूज़ करने चाहिए। तो बैरिंग्स तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट कंपनी के यूज़ कर सकते हैं, स्केप के कर सकते हैं, टाटा के कर सकते हैं, NRV के कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के आप बैरिंग्स आते हैं, लेकिन बैरिंग्स कौन से ग्रेड का यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको मैं बता दूं कि बैरिंग्स में लिखा होता है, मान लो कि हम क्रैंक के बैरिंग की बात करें, 6304 6205, C1 C2 C3। अब C1 C2 C3 C4 क्या है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो C1 C2 C3 रहता है वो क्या रहता है। देखिए बैरिंग्स में आता है सिंगल जेट डबल जेट का मतलब, सिंगल जेट का मतलब होता है एक साइड से बैरिंग पैक होता है, दूसरे साइड से ओपन होता है। डबल जेट का मतलब होता है बैरिंग दोनों साइड से पैक होता है। तो हमारी जो RX 100 के जो क्रैंक होते हैं उनमें ना सिंगल जेट लगता ना डबल जेट लगता, दोनों साइड से ओपन लगते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब C1 C2 C3 क्या है, देखिए मेरी ये दो फिंगर्स को देखिए, कम क्लियरेंस है इन दोनों के बीच में, कम गेप है, दैट इज़ C1, ये C1 हो गया। थोड़ा फैला देंगे तो C2, थोड़ा फैला देंगे तो C3, थोड़ा फैलाएंगे तो C4, मतलब जैसा जैसा जो बॉल्स होते हैं ना बेरिंग के अंदर में, उनका गेप बढ़ते जाएगा ना, तो आपके बेरिंग्स का ग्रेड बढ़ते जाएगा। अगर कम गेप है बॉल्स के बीच में तो C1, ज़्यादा गेप है बॉल्स के बीच में तो C2, उससे ज़्यादा गेप्स है वो छोटे छोटे जो छर्रे लगे होते हैं ना उनके बीच में तो C3। अब आप क्या करते हैं ना कि 6304 फॉर एग्जाम्पल, 6205 6304 आप C1 बेरिंग ला लेते हैं। अब नंबर तो सेम है, यही नंबर के बेरिंग लगते हैं, ये किसी को पता भी नहीं होता कि C1 C2 का क्या सेंस है। आपने लाया लगा दिया, अब आपको बता दूं कि ये जो दोनों बेरिंग है ना ये यूनिकॉर्न में भी लगते हैं, यूनिकॉर्न गाड़ी के भी इंजन में सेम बेरिंग लगता है जो यामा में लगता है, लेकिन वो C1 रहता है और हमारा यामा का बेरिंग C3 रहता है। अब हम C1 को लगा देते हैं, फिट भी हो जाता, चल भी जाता, लेकिन क्लियरेंस कम होने की वजह से जब हम फिटिंग करते हैं ना तो उसमें और क्लियरेंस कम हो जाती है, तब बॉल्स एकदम करीब करीब हो जाते हैं और वो हमारी गाड़ी में सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं और गाड़ी जल्दी से साउंड मारती। अब देखिए समझिए, यूनिकॉर्न में वही बेरिंग यूज़ होता है, लेकिन वो बेरिंग यूनिकॉर्न में इंजन ऑयल के अंदर चलता है, इंजन ऑयल के अंदर बेरिंग चल रहा है, और यहाँ RX 100 में वो बेरिंग इंजन ऑयल के अंदर नहीं चलता, ड्राई चलता है। हमारे फ्यूल के साथ जो ऑयल हमारे क्रैंक को जाता है, जो बेरिंग को जाता है, बस वही उसको लुब्रिकेट करता है। अब समझिए वहाँ पे 90% ऑयल उसको लुब्रिकेट कर रहा होता है, 95% ऑयल लुब्रिकेट कर रहा होता है, यहाँ सिर्फ 5% ऑयल जो उसको लुब्रिकेट कर रहा होता है, फिर भी वो ख़राब नहीं होता, क्यों, इसी क्लियरेंस की वजह से। अगर हमने C1 डाल दिया यामा RX 100 में तो बहुत जल्दी साउंड मार देगा, लेकिन C3 डाल दिया तो वो जल्दी साउंड नहीं मारेगा, क्योंकि उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि यामा RX 100 में जो बेरिंग का क्लियरेंस है वो C3 रहता है। और आप लोग क्या करते हैं, किसी भी दुकान में जाते हैं, हाँ 6304 का बेरिंग दे दीजिए, उसने लेकर निकाला दुकान से और दे दिया, आपका मैकेनिक भी नहीं देखता, उसको भी लगा बेरिंग तो सही है, अंदर का गेप भी सही है, साइज़ भी सेम है, फिट भी आ रहा है, सब कुछ ने ठोक दिया। फिर क्या हुआ, आपकी कुछ दिन बाद आपकी गाड़ी ने साउंड मार दिया, या आपकी गाड़ी का क्रैंक सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या गाड़ी की क्रैंक से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आने लगी, बेरिंग्स की नॉइज़ छन छन आने लगी, आप परेशान हो जाते हैं, अभी तो इंजन बनाया, फिर वो कहते हैं आपकी गाड़ी सीज़ हो गई। गाड़ी सीज़ होती ही नहीं है, वो बेरिंग ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो C1 बेरिंग आपने यूज़ कर लिया है। तो अब आप जब भी अपनी गाड़ी को इंजन को रीबिल्ड कराते हैं, इंजन बनवाते हैं, तो मैकेनिक जो बेरिंग डाल रहा है उसमें ज़रूर ये चीज़ देख ले कि बेरिंग C1 तो नहीं है, C3 होना चाहिए। यामा जो रिकमेंड करता है वो C3 बेरिंग करता है, एक बेरिंग ऑयल के अंदर चलने वाले, एक हल्के लुब्रिकेंट ड्राई बेरिंग चलने वाले, तो एक टाइप से हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा ड्राई चलता है, क्योंकि इसमें 5% ऑयल फ्यूल के थ्रू मिलता है, और वहीं वो दूसरा बेरिंग जो है C1 बेरिंग है वो ऑयल के अंदर चलता है। यही डिफरेंस है दोस्तों दोनों बेरिंग्स के बीच में। तो चलिए होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि बेरिंग्स के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को रहती है, उनको लगता है कि बस ये नंबर का बेरिंग मिल गया लगा दो, ऐसा नहीं है। तो किस ग्रेड का बेरिंग है
ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी यामा आरक्षण रेट के लिए कॉम्पिटिबल है या नहीं है। इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि ये C1 है, C2 है या C3 है। आपकी यामा आरक्षण रेट में हमेशा C3 बेरिंग यूज़ होता है, जो आपके क्रैंकेज में यूज़ होगा। गियरबॉक्स में जो भी बेरिंग यूज़ हो रहे हैं वो C1, C2, C3 तीनों में से कोई भी यूज़ हो सकते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑयल में चल रहे होते हैं तो उनमें ज़्यादा तकलीफ और ज़्यादा क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।